देपालपुर से केसूर, आगरा से अठेड़ा, बनेड़िया से अटाहेड़ा, कछालिया से अटाहेड़ा और गुडर से अटाहेड़ा रोड का नवीन निर्माण सीमेंट कंक्रीट का काम किया जाना था, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही एवं अदूरदर्शिता के कारण पूरे मार्गों को बदहाल कर दिया गया है। इसमें डामर रोड भी था जिसे बर्बाद कर दिया गया। पूरे मार्ग पर पीली मिट्टी फैला दी गई जिससे लगभग 50 गांव के लोगों का आवागमन के साधन में एवं आने जाने में कठिनाई हो रही है। ठेकेदार के पास संसाधन नहीं होने के कारण इसका खामियाजा जनता को कीचड़ में गिरने, पड़ने एवं दुर्घटनाग्रस्त होने के रूप में भुगतना पड़ रहा है। इधर अधिकारियों द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जाने से ये परिस्थिति पैदा हुई है। यदि समय रहते अधिकारी ध्यान दे देते तो क्षेत्र की जनता को ये तकलीफ नहीं उठाना पड़ती। ठेकेदारों से इस संबंध में चर्चा की गई तो ठेकेदारों का कहना है कि अभी केवल अर्थवर्क किया गया है, इसके बाद ही आगे का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आधा गांव से लगे गए बहुत समस्या, और केसूर तक वहीं भी जाओ तो वहीं भी समस्या है। मिट्टी डाली और नदी की मिट्टी डाली हुई पीली, कम नहीं डाली कोई, कुछ भी नहीं पीली, सिर्फ ब्रेक मारो तो 20-30 फीट गाड़ी चली जाए। खराब रोड है साहब, अभी तो चलने में ही नहीं आ रहा है, बड़ी मुश्किल से आ रहे हैं यहाँ पे देपालपुर में, और पानी गिर जाएगा तो आ भी नहीं पाएंगे, और अभी तो बस भी नहीं चल रही है देपालपुर चांदे से, उस साइड में तो बस भी नहीं जा रही, पाँव जा रहे हैं। यहाँ पर हम सादलपुर से आ रहे हैं, यहाँ से तो काफ़ी दिक्कत आ रही है, मतलब आम जन इतना परेशान हो रहा है, रोड कंस्ट्रक्शन का जो ठेकेदार है उसके कारण आम जन और आम नेता के कारण आम जन इतना परेशान हो रहा है, गाड़ी फिसल रही है, छोटे छोटे बच्चे को लेके जो लेडीज़ निकल रही है वो काफ़ी परेशान हो रही है। सांसद को बिल्कुल यहाँ पर आके ध्यान देना चाहिए, उनका क्या है वो तो आराम से घूम रहे हैं ऐसा आराम से, और रास्ते में रोड की हालत इतनी खराब हो रही है कि मोटी मोटी गिट्टी डाल रखी है और उसके ऊपर पीली मिट्टी डाल रखी ताकि यार गाड़ियाँ बहुत फिसल रही है, और क्या है पक्का बिल्कुल भी नहीं है, और आने जाने बहुत मुसीबत हो रही है, और रास्ते में डंपर फंसे हुए हैं, और इसके ये रोड बहुत दिन से बन रहा है अभी तक कम्प्लीट नहीं हुआ, ये रोड में भ्रष्टाचारी हो रहा है, और ये सरकार की बहुत लापरवाही सरकार है, अगर शिवराज सिंह चौहान सरकार होती अभी तक तो ये रोड कंप्लीट हो गया होता अभी तक।